जेल, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? कैद, सजा, परेशानी, डर, ये सारी बातें आपके दिमाग में आती होंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि माफियाओं के लिए जेल किसी ऐशगाह से कम नहीं है, पिस्तौल से लेकर बेगम तक सबका एक्सेस है जेल में, तो आप क्या कहेंगे? प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड को जिस शातिराना अंदाज से जेल के भीतर से अतीत और उसके भाई अशरफ ने अंजाम दिया, उसने उत्तर प्रदेश की बरेली जेल से लेकर गुजरात के साबरमती जेल तक का एक जैसा सूरत हाल बयां कर दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी जेल में मुलाकात करते हुए अकेले बंद कमरे में पकड़ी गई। इस मामले में जेल अधिकारी निलंबित हुए, जेल भी गए। वहीं कुख्यात माफिया प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया। ये तीनों की तीनों घटनाएं साफ दिखाती हैं कि कैसे पिस्तौल से लेकर बेगम तब सबका जुगाड़ है जेल के अंदर। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कि यूपी जेल की हैं, जो साफ साफ ये दिखाती हैं कि कैसे यूपी के कैदी जेल को कहते हैं मेरा जेल महान। पहली घटना है 24 जनवरी 2021 की। अलीगढ़ में कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस हत्या के जुर्म में एक शख्स को जुलाई 2021 में गिरफ्तार करता है और उसे जेल भेजती है। पता चलता है कि जिसे पुलिस ने जेल भेजा था वो कैदी पहले से ही जेल में बंद था। अब सवाल ये है कि जेल में रहकर कैदी हत्या फिर लूट की वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। अगली घटना में बढ़ते हैं। अगली घटना है 4 जनवरी 2021 जौनपुर की। जौनपुर जेल में कैदी पुलिस पर हमला कर देती है किसी बात को लेकर। यही नहीं, जेल के बैरक से जबरदस्ती बाहर आ जाते हैं कैदी। बाद में समझाने गए मुख्य बंदी रक्षक को दौड़ा दिया जाता है, जिसके बाद जेल अधीक्षक को एसपी से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। अगली घटना भी जौनपुर की है, 5 जुलाई 2015 की। आपको बता दें कि जौनपुर में महिला बंदी रक्षक से छेड़खानी को लेकर उपजे विवाद में पिटाई से लखौवा निवासी बंदी श्याम यादव की मौत हो जाती है। इसके बाद उग्र जो बंदी होते हैं वो रक्षकों पर लाठी छीनकर उन पर हमला कर देते हैं। पिटाई और पथराव में लगभग 6 बंदी रक्षक घायल हो जाते हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और 50 राउंड बुलेट फायर करनी पड़ती है। शाम 4:30 बजे शुरू हुआ यह हंगामा रात को 10 बजे तक चलता है। अब ये सारी की सारी घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको साफ साफ दिख सके कि यूपी में जेल का क्या हाल है। सरकारें भले ही किसी राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश में आती जाती रही हों, यहाँ की जेलों की हालत और सुरक्षा व्यवस्था शातिर अपराधियों और माफियाओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। बरेली जेल में जिस तरीके से माफिया अतीक के भाई अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसमें शामिल शूटरों से मुलाकात की, उसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिय निशान लगा दिया। अभी से ही नहीं, बहुत पहले से ही यूपी इन सभी सवालों को लेकर घिरता आ रहा है। अब तो यूपी में बीजेपी का राज है, बुलडोजर बाबा का राज है, लेकिन फिर भी उनके राज में ऐसे कारनामे होते हैं। कहीं ना कहीं यूपी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।